हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने फिर आ गया। देखिए आज की जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये हम लोग आज प्रकाश का अपवर्तन एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आया। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक कुछ गलत होगा तो देख लीजिएगा जी। देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर टू में हम जो बातें करेंगे ये प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बातें यहाँ पे होंगी। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या बातें होंगी, आइए हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश का, अभी तक तो हम लोग ये समझते थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पे। तो प्रकाश के हम परावर्तन जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग के बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल से यानी जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी तल, यानी सपोज कीजिए कि हम हैं तो हम भी एक तल ही हैं। क्यों हम तल हैं? क्योंकि जब हम पे कोई लाइट मारेगा तो मेरे आर पार तो नहीं हो रहा है ना, कि हो जा रहा है नहीं हो रहा है। तो यार मेरे आर पार लाइट मारने पर किसी के भी यदि बॉडी पे यदि लाइट मार रहे हो आप, यदि आर पार ना हो, यदि बाहर ना जाए तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। लेकिन अपवर्तन क्या है? सेम अपोजिट। यहाँ पे हम मान लीजिए कि प्रकाश को गिरा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर चला जाता है, यही परावर्तन है। ये तो एक मुख्य मैंने ऐसी सिंपली कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूं कि देखिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब हम प्रकाश के अपवर्तन में जब हम बातें करते हैं तो उसमें देखिए प्रकाश आती है और वहां पे जैसे कोई भी कांच हो लीजिए, कांच हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पे क्या हो रहा है यार, एक सिंपल मिरर ले लो उस पर कलाई मत करो, ठीक है, तो वह भी वहां पे क्या होगा, वहां पे अपवर्तन होगा। परावर्तन के लिए क्या हम बताए थे कि जब आपको बाहर से कलाई किया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाहर से ऐसे 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 कलाई किया होना चाहिए, लेकिन अपवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? देखिए अब जो बातें हम लोग करेंगे वो क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ मीठी मीठी इसी टाइप की बातें होंगी। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में यही समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बाद बारी बारी से हम लोग चैप्टरों को लेक्चर वाइज यानी हर एक चीजों को समझेंगे। और आप लोग से एक चीज और बता दें कि इससे पहले भी मैं जो प्रकाश के परावर्तन का जितने भी टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वन को मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जाकर आप पूरा वीडियो प्ले लिस्ट में बनाकर रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो खोजने में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। अच्छा ये बताइए, छोड़िए ये तो बातें हुई, आइए आज हम लोग ये समझते हैं यार कि आप लोग ने तारे को टिमटिमाते हुए रात में तारा जो टिमटिमाता है ना, ये चैप्टर की शुरुआत गजब मजेदार लाइन से होंगी। बहुत मजा आता है यार इस चैप्टर को पढ़ने में। प्रकाश का अपवर्तन जो है इस चैप्टर में, मतलब भौतिक का मतलब क्या होता है कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं उससे चीजों को जो संबंध है, यानी सब चीज तो एक भौतिक ही है, क्यों है ना। तो देखिए जो तारे का टिमटिमाना हो गया, आप जैसे कि जाते हैं स्विमिंग पूल वूल देखेंगे, बहुत जगह आप जाते होंगे तो लगता है कि यार उसके अंदर बहुत सारा पानी है ना, गहराई वाला पानी है, लेकिन आप कभी जाके देखिएगा उसमें तो ज्यादा पानी नहीं होता है, होता है, लेकिन मुझे क्या फील होता है, लगता है यार कि बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वहां पे क्या है, उतना पानी नहीं होता, बट मुझे फील होता है। तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का जो टिमटिमाना है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये सब
कैसे हम लोग समझेंगे, आइए इस पे डिस्कस होगा। अच्छा एक चीज और बताइए, देखते हैं कभी कभी यह भी देखे होंगे कि जो सिग्नल होता है, आप एक चीज और एग्जांपल देखे होंगे कि जो गाड़ी जैसे रोड होता है, रोड पे कभी भी सिग्नल लगाए जाते हैं तो यार रेड क्यों लगाए जाते हैं, रेड क्यों लगाए जाते हैं आप देखे होंगे, या ट्रेन जहां चलता है उसमें जो सिग्नल होती है वह भी रेड लगाया जाता है, और जब हरी बत्ती मिलती है हरा क्यों लगाया जाता है, रेड क्यों लगाया जाता है। इस चैप्टर से आप लोग को यहां से सब क्लियर होगा कि वहां पे रेड क्यों लगता है। रोड पे कभी कभी आप लोग देखे होंगे आजकल, तो हर एक जगह आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो रोडवा पे जब हम चलते हैं ऐसे मान लीजिए हम चल रहे हैं तो रोडवा पे क्या होता है ना कि ऐसे यहीं पे कहीं लाल लगाता है, एक साइड देखोगे एक साइड क्या होता है रेड कलर का लगा होता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, इसमें इस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये बारी बारी से ये सब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के अंदर ही हम लोग सब पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये चैप्टर 2 में हम लोग ये सब चीज के बारे में जानेंगे। अच्छा देखते होंगे कभी हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, क्यों, क्या कारण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसी को पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण है, यहाँ देखिए आपतित, यहाँ पे आपतन बिंदु, ये देखिए एंगल आई है, ये देखिए एंगल आई ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपतन कोण, अब ये देखिए अपवर्तन, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या समझेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, यहां थोड़ा सा समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है विचलित हो जाती है, अब यही विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, यानी जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरी पारदर्शी माध्यम, यानी पारदर्शी नहीं यार, एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा ये देखिए आपका आपतित किरण है, ये देखिए आपका अपवर्तित किरण है और ये आपका अपवर्तित किरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ये देखिए आपका सघन माध्यम है, ये देखिए आपका विरल माध्यम। एक चीज और आप लोग से बताएं कि जब प्रकाश की किरण यहां से चली तो देखिए यहाँ सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम, तो दिख रहे हैं ऊपर की ओर सट रहा है, लेकिन जब यहाँ विरल माध्यम हो गया, यहाँ सघन हो रहा है, तो ये इधर की ओर खींच रहा है। ये हो कैसे रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जब आगे कुछ बातें होंगी तब समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली क्या बातें हैं, प्रकाश की अपवर्तन क्या होता है, जो आप लोग को दिमाग में सीधे धस रहा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं, कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से एक चीज और बता दें, यहाँ पे मैथ के भी क्लासेस चलती हैं। ये जो क्लासेस हैं ये मैथ के भी, यहाँ पे मैथ की बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है हाई लेवल 11th 12th प्लस बीएससी। अभी मैं कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने, तो बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। तब तक आप लोग क्लास यूट्यूब पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले ओके बाय।